एक बार स्वामी विवेकानंद के एक विदेशी मित्र ने जब उनके गुरु से मिलने की इच्छा जताई तो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद वो मित्र उनके पहनावे पर कमेंट करने लगा और कहा कि आप जैसे व्यक्तित्व का चरित्र निर्माण करने वाले ये कैसे गुरु हैं जिन्हें कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत विनम्रता से कहा, आपके देश में चरित्र का निर्माण दर्जी करता होगा, लेकिन हमारे भारत में चरित्र का निर्माण आचार विचार से होता है। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद जी के पीछे बहुत सारे बंदर पड़ गए। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पास खड़े हुए एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ चलने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने यह सीखा कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना ज्यादा सही है। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी कि यदि कोई चीज तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो।